विद्या भवन सभागार में महादलित मेगा उपयोगिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। महादलित मेगा उपयोगिता कार्यशाला का आयोजन विद्या भवन सभागार में उप विकास आयुक्त शशांक शुभांकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में महादलित टोलों के व्यक्तियों को सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना, शिक्षा, स्वच्छता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जीविका के तहत सहायता समूह के गठन आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा योजना से अधिकाधिक महादलित टोलों के व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सौजन्य से जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, जीविका, जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं नई आशा की सहभागिता से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अवगत कराया गया कि 7 निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम संचालित है। मान लीजिए आपकी राशि यहाँ 0 लग रही है तो आपको 36,50,000 आप कागज आपको देना ही है किसी भी कारण से, और एक साल में 48,000 हो गया, आपका 3 साल का कोर्स है, कितना हो गया बताइएगा। भैया बताया 7.25 का तो बैंक दे रहा है आपको इंटरेस्ट, और सरकार को वापस कर रहा है 1% पे, कि कितना आपको लाभ हो गया ये मुझे बताइए। 1,44,000 का 7% निकाल लीजिए, वो आप बैंक कार चाहिए, आप इसको पैसा को लीजिए, पैसा से पढ़िए, सभापाल के पास नहीं जाइए, किसी प्रकार का गिरवी मत रखिए, आपके बाल बच्चे हैं उनको पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वह बच्चा एक दिन के लिए मेरे पास आएगा, मैं उसका सत्यापन भी करता हूँ, उसके साथ एक कारनामा होता है, एक उसको एक ब्याज क्रेडिट कार्ड योजना का कार्ड मिलता है। इस योजना से आप लोग लाभान्वित होइए और सभी को ये बताइए कौन कौन इसमें से लोन लेना चाहता है। पैसा लेना लोन नहीं है, पैसा ही है, मान लीजिए नौकरी में सात निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का जन जन तक प्रचार प्रसार करने तथा महादलित समाज के युवक युवतियों को भी इस योजनाओं की जानकारी देने हेतु तथा अधिकाधिक लोगों को इस योजनाओं से आच्छादित करने हेतु आज यह इस कार्यशाला का आयोजन विद्या भवन सभागार में किया गया है, और इसी उद्देश्य को लेकर करके 7 निश्चय योजनाओं से संबंधित विषयों पर तथा शिक्षा की योजनाओं पर, स्वास्थ्य की योजनाओं पर, कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है, और प्रयास यह किया जा रहा है कि इन योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को आच्छादित की जाए।